अस्सलामु अलैकुम हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नई नई नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हमारे उलमा ने कुर्बानियां थी अपनी लाशों के नगरानों को, इसलिए मुसलसल एक सदी तक जंग का सिलसिला जारी रहा। यहां तक कि मेरे प्यारों, 1947 15 अगस्त को जाकर हमारा मुल्क आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ पाकिस्तान जाने वाले चले गए, हमारे पास ऑप्शन था, हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हम वतन के गद्दार नहीं है, उनके लिए खैर फरमाए, भला फरमाए, इसने एक संविधान बनाया अपना, जिसके आर्टिकल आर्टिकल 14 में 15 में ये बात आज भी लिखी हुई है, 14 और 15 में, हिंदुस्तान में किसी धर्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं होगी, मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं होगी, लिसन की बुनियाद पर हिकमत नहीं होगी, अपना मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक को एनआरसी का जो नारा लगता है, हमें इस बात से इनकार नहीं है एनआरसी लागू हो, लेकिन एनआरसी के आने से पहले जो एक एक पास किया गया, जिसे सीएपी कहते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और ये भी होने के बाद आज ये हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट कानून बन गया। अर्थात ये गलत है, ये अन्याय है, ये संविधान का जनाजा है, ये हमारे चीजों पर है, बुनियाद इस पर है कि दूसरे ममालिक से जितने गैर मुस्लिम मुसलमानों के लाने, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो हिंदुस्तान का आया है उसे हिंदुस्तान का मान लिया जाएगा, हिंदुस्तान की शरीयत दे दी जाएगी, उसे नागरिकता करार दे दिया जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन ये बेचारे मुसलमान अगर आए हैं, इसका वाजा मतलब यह हुआ, आपके यहाँ पाकिस्तान से एक मुस्लिम मेहमान आया, एक गैर मुस्लिम मेहमान आया, लेकिन हाल यह है, ये बदतमीज अमीर शाह, ये हुकूमत चाहती है, ये मोदी चाहता है, तो अपने आने वालों को तो खूब मुर्दा
बोलिए, इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहे। हजरत हमें एनआरसी से कोई आपत्ति नहीं है, अरे सबके लिए एनआरसी लाओ, लेकिन मेरे प्यारे ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी साजिश है कि तू सीएए के तहत अपने बाप दादाओं को, अपने आने वालों को, एक दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना लेगा? अरे तेरे लम्बो करम का जवाब नहीं, दूसरे का बेटा अपना बेटा हो गया और अपना बेटा बाहर जाकर भीख मांगता हुआ मिले, नादान का जनाजा निकल गया है। तुझे फिक्र नहीं है, तुम्हारी समझ मर गई है, हम 313 होकर ईद पर भारी थे। याद रखना, हमारा मजहब गुहारगिरी की इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब खून खराबे की इजाजत नहीं देता। हजरात ये सीए का ताल्लुक एनआरसी से है, इनका बाप इनका दादा अपनी नागरिक अपना हिंदुस्तानी होना नागरिक होना साबित नहीं कर पाएंगे, इन्हें यहाँ की शहरियत ये दे देते। हजरात एक बात मेरे जहन में आई, अब तक मैंने किसी से सुना नहीं, आज मैं आपको शेयर कर देता हूँ। असल क्या है, इस कानून के तहत सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट बनाना नहीं है, आप जहन को करीब कर बात को समझने की कोशिश कर, बल्कि इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है। इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आप कहोगे कैसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सीएए का कानून आ गया, इसके बाद एनआरसी लागू करेगा और एनआरसी में बहुत से गैर मुस्लिम हजरात इस कानून को लाया क्यों? इसलिए कि इसकी उम्मीद से ज्यादा आसाम में मुस्लिम निकल गए, इसकी उम्मीद थी ज्यादा वहां मुसलमान निकलेंगे, इसके लिए उसे बचाने के लिए कानून लाया। और जब इस कानून के तहत 50% गैर मुस्लिम भी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे एनआरसी में, अगर जो उनके बाप दादा सदियों से भारत में रहते हैं, जब वो साबित नहीं कर पाएंगे, जब हम नहीं साबित कर पाएंगे, तो हमें डायरेक्ट डिटेंशन में भेजा जाएगा या कहीं जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा, हमें यहाँ से हमारी जमीन और जायदाद हमारे अमलात जब्त कर लिए जाएंगे, हमें बेघर कर दिया जाएगा, हमें आवारा कुत्तों की तरह फिरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मुसलमानों, इस्लाम को अल्लामा रफीज साहब हमारे कमर भाई, इस्लाम को बदनाम करना है, 50% गैर मुस्लिम जब नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो उनको तो रहना है हिंदुस्तान में, और जब रहना है वो एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन दरखास्त लिखेंगे, उसमें ये कहेंगे कि हम नागरिकता साबित नहीं कर पाए, हमें हिंदुस्तान का नागरिक मान लिया जाए, हिंदुस्तान में जगह दी जाए। अब उनसे कहा जाएगा तुम आए कहां से थे, तीन मुल्कों को, वो तीनों मुल्क कौन से हैं इस्लाम के नाम पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। वो गैर मुस्लिम नागरिक, वो गैर मुस्लिम शरणार्थी, वो कहेगा हम पाकिस्तान से आए, कोई कहेगा हम बांग्लादेश से आए, कोई कहेगा हम अफगानिस्तान से आए, हमें यहाँ रहने का मौका दिया जाए, हमें जमीन दी जाए, हमें मकान दिया जाए। अब उनसे रीजन पूछा जाएगा, पाकिस्तान से क्यों आए, बांग्लादेश से क्यों आए, बात समझने की है, अफगानिस्तान से क्यों आए, वो रीजन बताएगा, वो सबब बताएगा, वो वजह बताएगा, वो इल्लत बताएगा, हम पाकिस्तान से इसलिए आए हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे थे, हम बांग्लादेश से इसलिए आए तो हम पर जुल्म किया जा रहा था, हम पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, हम अफगानिस्तान से इसलिए आए तो हमें गैर मुस्लिम कह करके हमें रोकने की कोशिश जारी थी और हमें तिरछी नजरों से देखा जा रहा था, हम पर तलवार लटक रही थी, इसलिए अब हम आए। अब आप सहन को और ऊपर उठाए और बात समझने की कोशिश करें, ये तीनों मुल्क इस्लाम के नाम पर है।
मिटाओ के मुसलमान बन जाए। हमसे हमारे रब का वादा है फंतुमुल आखोना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो अगर मोमिन हो। मोमिन हो तो एक रहकर एक हजार पर गालिब रहोगे, मोमिन हो तो एक रहकर करोड़ों पर गालिब रहोगे। शर्त यह है मोमिन बन जाओ। अगर तुम मोमिन है आज माता क्या ऐसा चलेगा जो चलने का तरीका मदीने से मुस्तफा ने आपको बताया है, जो सुनी का कुरान ने आपको बताया है, हदीसे पाक ने आपको बताया।